देख सकते हैं ये मैंने सूट को सिल लिया है कितना जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ये सब हाथ लगाना और गला बनाना, ये गला बनाने का पैटर्न मैंने डाल रखा है वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। इसमें इस वीडियो में मैं आपको एप्पल कट की सिलाई बताने वाली हूँ, क्योंकि जो बेसिक सिलाई होती है उसको मैंने सिल लिया है। जैसे हम सादा ड्रेस बनाते हैं उसकी भी मैंने वीडियो डाला है ड्रेस सिलने की, ये मैं एप्पल कट की सिलाई बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं, अब देखिए क्या करना है, इसके लिए सारे काम मैंने पहले रेडी कर लिया है जो जो मुझे करना था, आपको मेन चीज़ मुझे बताना है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करना है हमें, तो जैसे कि मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाल रखा है ड्रेस की, इसमें मुझे देखिए जब हम फिटिंग करेंगे तो फिटिंग करते समय यहाँ पर एक ऐसे तरीके से निकाल लेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच जितना में हमें पाइपिंग करना है उतना, यहाँ पर देख सकते हैं इतना, अब हमें यहाँ पर इसे मिला देना है, ऐसे ये हो गया इतना, और यहाँ पर इसकी फिटिंग की निशान ले लेंगे। यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब यहाँ से हमें वापस से रिटर्न ले लेना है, दूसरी सिलाई मारनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया सेम उसी तरीके से इस तरफ में भी हम सिलाई मार के ले लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ में सिलाई मार लिया है, देख सकते हैं कितना मेरा कट छुटा हुआ है, बस इतना ही आधा इंच का हमने जितना पाइपिंग करना है उतना ही मैंने छोड़ा है। तो दोनों तरफ हो चुका है, अब पट्टी कट करना बताती हूँ आपको। तो ये मेरे पास में कपड़ा है, इसे उरेबी कट करना है, ऐसे जो कपड़ा पार्ट खींचता है उसे उरेबी पार्ट कहते हैं। सकते मैंने इतनी पट्टियाँ कट कर ली है और जितनी आपको ज़रूरत है उतना कट करिएगा। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने का तरीका वो बता देती हूँ एक बार किस तरीके से ज्वाइन करते हैं। इसे ऐसे रखना है, ऐसे क्रॉस कर देना है, सभी पट्टियों को पूरा। अब हमें क्या करना है, जिस तरफ से हमने सिलाई मारा है यहाँ पर जिस तरफ जॉइन किया है उस तरफ से ही हमें ऐसे मोड़ लेना है, एक तरफ में हमें ऐसे सिलाई को एक तरफ कवर करना है। क्या है अब लगाना कैसे है, तो देखिए हमें कहाँ से सिलाई रखना है कपड़े को, जैसे कि इसको इस तरीके से फोल्ड किया और कहाँ पे रखेंगे, ये जो हमारा सिलाई आया है यहाँ पे एकदम किनारे पे हमें इसको रखना है, ऐसे ये आपको दिख रहा होगा बरोबर, ऐसे रखना है और सिलाई हमें यहाँ पर से चालू करना है, चलाना। और हमें कपड़े को खींचना नहीं है, बस हमको लगाते जाना है ऐसे। तो देख सकते हैं मैंने कहाँ पर सिलाई लाया, एकदम मेरी जो ये जॉइंट थी एकदम उसी के पास में लाया, ऐसा नहीं कि सिलाई हम यहाँ पे लाएं, तो गलती नहीं करना है, हमें सिलाई एकदम उस जॉइंट के एकदम पास में लानी है बरोबर। दोनों तरफ में मैंने वैसे ही किया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे मोड़ के जितना आपको मोटी पाइपिंग चाहिए पतली चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। तो देखिए मैं इतना रख रही हूँ, थोड़ी जाड़ी में है ना, ज़्यादा जाड़ा है और ना ज़्यादा पतला है, मीडियम है। और जो हमारा ये कपड़ा है, इस कपड़े को हमें ऐसा नहीं कि ऐसे कर दें, ऐसा नहीं करना है, कपड़े को भी हमें ऐसे ही दबा करके फोल्ड करना है ऐसे, तब हमारा ये पाइपिंग जारी रहेगी, नहीं तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे करेंगे तो नहीं बनेगा, ये कपड़ा भी हमारा ऐसे फोल्ड होना चाहिए। पहले सेट कर लें उसके बाद में मशीन चलाएं।
जब राउंड पर हम आएंगे उस वक्त थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरा कट बन चुका है, बहुत ही अच्छे से बैठा है और ये उठ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि उठ रहा है। देखो ये मैंने इस्त्री भी नहीं किया है आयरन, तभी भी एकदम अच्छे से बैठा है। अंदर से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से बैठा है। सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ में भी करके लेना है, तो मैं कर लेती हूँ। तो देखिए ये जब दूसरे वाले पार्ट को हम करेंगे तो वहाँ पर भी हमें ध्यान से ही करना है, ऐसे हमें फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर हमें हल्का सा से थोड़ी कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है बन करके। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे जानकारी मैं लेकर के आ सकूँ। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।